शिवपुरा में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में चिड़ावा थाने के बाहर 6 दिन से चल रहा धरना 7 दिन के लिए हुआ स्थगित। पिछले 6 दिन से चल रहा धरना 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिवपुरा में नाबालिग लड़की के अपहरण एवं मारपीट के विरोध में चल रहे धरने पर आज झुंझुनू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह एवं चिड़ावा SDM संदीप चौधरी, तहसीलदार कमलदीप, चिड़ावा DYSP शिवरतन गोदारा, पिलानी थानाधिकारी रणजीत सेवदा, बग्गड़ थानाधिकारी श्रवण कुमार आदि पहुंचे। इस दौरान एडिशनल SP ने अभी तक की गई पुलिस की कार्रवाई के बारे में परिजनों एवं ग्रामीणों को अवगत करवाया। भाजपा नेता राजेश दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में मुख्य अभियुक्त व नाबालिग अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस के आश्वासन के बाद धरना 7 दिन के लिए स्थगित किया गया है। 23 तारीख से सुबह से लेकर के ही आज तक जो धरना दिया गया, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सब ग्रामीणों का, युवा साथियों का, जो सारे लोग इधर आए धरने में, सबका सहयोग किया। व्यापार मंडल ने जो सहयोग किया, बाजार बंद रख करके इसको समर्थन दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ ही स्कूल वालों ने जो मौन जुलूस निकाला हजारों लड़कियों को लेकर के, तो एक बहुत बड़ा मैसेज अपराध के खिलाफ गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है पुलिस प्रशासन ने धरना स्थल पर आकर के समझाइश की और उसके बाद यहाँ से एक डेलीगेशन पुलिस प्रशासन के साथ बैठ करके वार्तालाप की और इस प्रकार की संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब उनको मिला और उन्होंने आकर के परिजनों और डेलीगेशन ने ये आश्वासन दिया कि 7 दिन के लिए एक बार इनको समय देते, क्योंकि इनका भी धान डाइवर्ट होता है, इधर भी फोर्स लगानी होती है, उधर भी लगानी होती है, मैन पावर की जरूरत होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए इस धरने को 7 दिन के लिए केवल स्थगित किया गया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में चिड़ावा पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी को हरियाणा से किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि चिड़ावा पुलिस ने मात्र 6 घंटे में ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चिड़ावा थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनुसंधान शुरू किया गया। मामले में आरोपी की तलाशी की गई। आरोपी को कई जगह तलाश किए जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे और टीमें बनाकर टीमों को रवाना किया गया। आरोपी को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। चिड़ावा में नगर पालिका के पीछे किराए से रहता है और मजदूरी का कार्य करता है। उसके साथ में उसी के समाज के बिहार के निवासी भी उसी मकान में किराए, दूसरे रूम में किराए पर रहते हैं, जो साथ साथ में मजदूरी का कार्य करते हैं। कल उनके जो किराएदार आरोपी मुबारक था, वो 8 से 9 बजे के आसपास उनको नज़र नहीं आया। उन्होंने तलाश किया, तलाश करने के बाद जब उनको कहीं नहीं मिला तो उनकी एक नाबालिग बच्ची ने उनको उसके साथ हुई घटना के संबंध में बताया, तो हमारे को उन्होंने थाने पर सूचना दी। सूचना देने के बाद हमने उसके मोबाइल के आधार पर उसका मूवमेंट मालूम किया, तो हमारे को हरियाणा रेवाड़ी की तरफ जाना जानकारी में आया। इस पर टीम गठित की गई, DST की भी हमारी टीम में शामिल किए गए, हरियाणा की CI को भी टीम में शामिल किया गया और आरोपी को हमने मात्र सूचना के 6 घंटे के अंदर रेवाड़ी से इसको डिटेन कर लिया, जिसको बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे अनुसंधान जारी है, कल उसका न्यायालय पेश किया गया। श्रीधर यूनिवर्सिटी के पास डंपर में घुसी बाइक, रिटायर्ड फौजी की हुई मौत। पिलानी थाना क्षेत्र में आज एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। चिड़ावा रोड पर श्रीधर यूनिवर्सिटी के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से बाइक पीछे से टकरा गई। दुर्घटना में पिचानवा खुर्द निवासी रिटायर्ड फौजी मुकेश कुमार पुत्र धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चिड़ावा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार श्रीधर यूनिवर्सिटी के सामने एक डंपर चालक ने डंपर को सड़क किनारे खड़ा कर रखा था। इसी दौरान बाइक से आ रहे मुकेश कुमार उससे टकरा गया, जिसके बाद उसे चिड़ावा के अस्पताल लेकर जाया गया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद सूचना पर पिलानी पुलिस मौके पर पहुंची तथा दुर्घटनाग्रस्त बाइक और डंपर को अपने कब्जे में लिया है। चिड़ावा अस्पताल में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले में मृतक के परिवार द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है।
झुंझुनू रोड पर ओस्टू के नजदीक दो कारों की भिड़ंत में 5 लोग हुए घायल। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। झुंझुनू रोड पर ओस्टू के नजदीक दो कारों की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ओस्टू के पास सांवरिया होटल के नजदीक दो कारों की भिड़ंत में 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। वहीं हादसे के बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से चिड़ावा के सरकारी अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है कि ओस्टू बाईपास पर दो वाहनों का एक्सीडेंट हुआ है। मैं पहले हॉस्पिटल जाके आया हूँ, मजरू वहाँ एडमिट थे, जिनमें मजरू सुनील कुमार, अजय कुमार, राकेश कुमार की चोटें आई हैं। दूसरे पक्ष में विकास की भी चोटें हैं, जिसका मेडिकल इंटेक दी गई है। और विकास के पास तो चढ़ाव जा रहा था और इस साइड में एल्टो प्रतीप चला रहा था। आपस में दोनों वाहन ऐसे टकरा गए। मौके पर अभी किसी ने रिपोर्ट नहीं दी, रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। परिसीमन के नाम पर पिलानी नगरपालिका क्षेत्र से हटाए गए कॉलोनी वासियों ने झुंझुनू में अतिरिक्त जिला कलेक्टर से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन के नाम पर पिलानी नगरपालिका क्षेत्र से हटा दी गई बाईपास क्षेत्र की कॉलोनी वासियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर JP गौड़ से मिला। कांग्रेस नेता तेजस्विनी शर्मा और RLP नेता राजकुमार नायक के नेतृत्व में ADM गौड़ से मिले प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि बाईपास क्षेत्र की कॉलोनियों के बासिंदे बीते 4 वर्ष से तमाम नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि यहां चिड़ावा रोड से लोहारू रोड तक 1450 मतदाता हैं और 3000 से अधिक लोग यहां की कॉलोनियों में रह रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित हर तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए भटकना पड़ रहा है। RLP नेता राजकुमार नायक ने ADM JP गौड़ को बताया कि इससे पहले भी तहसीलदार, SDM, जिला कलेक्टर को इस क्षेत्र की कॉलोनी को नगरपालिका से जोड़ने के लिए ज्ञापन दिए गए हैं। बार बार अधिकारियों के पास इस समस्या को लेकर जाते हैं, लेकिन कहीं से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से पिलानी बाईपास क्षेत्र की कॉलोनियों को वापस नगरपालिका से जोड़ने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है, जिस पर ADM JP गौड़ ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।